हेलो बच्चों, कैसे आप सब? तो हाजिर हूँ मैं आपके इंटरेक्टिव इंग्लिश रीडर से एक नई कहानी लेके। तो चलिए हम लोग पहले उस कहानी को रीड करेंगे और फिर उसके बारे में समझेंगे। बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है द डे ड्रीमर। डे मीन्स होता है दिन, ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न, और ड्रीमर मिस होता है स्वप्न देखने वाला। तो शायद इस कहानी में कोई दिन में ही स्वप्न देखने वाला है, सब लोग स्वप्न तो रात में देखते हैं। तो चलिए पहले हम लोग रीड करेंगे। मनोज वाज ए पुअर मैन, ही लिव्ड इन ए टाउन, ही वाज सो पुअर दैट सम डेज ही डिड नॉट इवन हैव फूड टू ईट। वन डे ही गॉट ए पॉट ऑफ व्हीट फ्लोर, ही वाज वेरी हैप्पी, ही हंग द पॉट नियर हिज बेड एंड ले डाउन। आई विश आई वेयर रिच थॉट मनोज, देन आई वुड नॉट हैव टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर। एंड ही बिगेन टू ड्रीम, शैल आई ईट दिस फ्लोर और शैल आई सेल इट, ही थॉट। सपोज देयर इज ए फैमिन, देन आई विल सेल दिस फ्लोर फॉर ए हाई प्राइस, देन आई विल अर्न ए लॉट ऑफ मनी, देन आई विल बाई ए काउ, देन काउ विल गिव काल्व्स एंड मिल्क, आई विल सेल द मिल्क एंड बाई ए स्वीट शॉप, आई विल सेल गुड बर्फी रसगुल्लास एंड गुलाब जामुन्स। चिल्ड्रेन विल कम रनिंग टू माई शॉप, दे विल लाइक माई स्वीट्स वेरी मच, दे विल बाई ए लॉट ऑफ माई स्वीट्स एंड आई विल अर्न मोर मनी एंड बिकम रिचर एंड रिचर। विथ ऑल द मनी आई विल बाई जेम्स, आई विल गो टू द किंग, ही विल से आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटिफुल जेम्स, ही विल गिव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, आई विल बाय ए बिग हाउस विथ ए स्विमिंग पूल एंड फ्रूट ट्रीज, व्हाइट स्वान्स विल बी स्विमिंग इन द पूल। देन वन डे द किंग विल कम टू मी एंड आस्क मी टू मैरी विथ हर डॉटर, आई विल से यस
एंड सून वी विल हैव ए सन. आई विल लव हिम बट व्हेन ही इज नॉटी आई विल डॉन हिम. इफ ही ट्रबल्स मी टू मच आई विल टेक ए स्टिक एंड बीट हिम हार्ड. थिंकिंग ही वाज बीटिंग हिज सन मनोज मूव्ड हिज हैंड विथ स्टिक. इन द एयर क्रैश द पॉट ऑफ फ्लोर हैड फॉलन डाउन एंड इट हैड ब्रोकन इंटू सेवरल पीसेस. द नॉइस वोक अप मनोज. ही लुक्ड अराउंड बट देयर वॉज नो बिग हाउस नो पुल नो प्रिंसेस नो सन एंड नो पॉट ऑफ फ्लोर इवन. बच्चों इस तरह से हम लोगों ने कहानी को रीड किया. अब बारी है कहानी को समझने की, तो ध्यान से सुनिएगा. इसी गांव में मनोज नाम का एक गरीब आदमी रहता था. वह एक गरीब आदमी था. कई दिनों से उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला था. एक दिन उसे एक घड़ा गेहूं के आटों से भरा हुआ मिला. वह बहुत प्रसन्न हुआ. उसने उस घड़े को ऊपर रस्सी से बांध के लटका दिया और उसके पास ही बेड लगा के सो गया. दिन में ही वह सो गया और सोचने लगा कि मैं अब धनी हो जाऊंगा, मेरे पास खूब ढेर सारे पैसे आ जाएंगे. और उसने सोचा कि मैं क्या करूं, इस मटके को बेच दूं या इसे खा लूं. यह सोचते सोचते वह स्वप्न देखना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा, जब कोई बाढ़ या सूखा पड़ेगा तो मैं इसको बेच दूंगा और बेचकर खूब ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लूंगा और उन पैसों से एक गाय को खरीदूंगा. गाय को खरीदने से मेरे पास बछड़े और दूध भी हो जाएगा और उस दूध को मैं बाजार में बेच दूंगा और उस दुकान उस पैसों से मैं एक दुकान खोलूंगा. वह दुकान मिठाई का होगा. मैं अपनी दुकान की मिठाई में बर्फी रसगुल्ले गुलाब जामुन ये सब बना के बेचूंगा. बच्चे मेरी दुकान पर आएंगे और खूब ढेर सारी मिठाइयों को मेरे पसंद करेंगे और इस तरह से मैं खूब ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लूंगा और भी ज़्यादा धनी होता जाऊंगा. और उन पैसों से फिर मैं कीमती रत्न खरीदूंगा, रत्न जवाहरात खरीदूंगा और फिर मैं उसे लेकर राजा के पास जाऊंगा और राजा देखते ही बोल उठेगा, वाह, मैंने ऐसे रत्न ऐसे आभूषण कभी नहीं देखे. वह मुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा और मुझे ढेर सारे पैसे वो ला के दे देगा. उन पैसों से मैं एक घर खरीदूंगा. वह घर बहुत बड़ा होगा और उसमें एक स्विमिंग पूल भी होगा और फल वाले पेड़ को भी मैं लगाऊंगा और उस स्विमिंग पूल में हंस घूम रहे होंगे. बच्चों हंस आप लोगों ने देखा है. वह अभी सपने में सोच रहा था और फिर एक दिन
राजा मेरे पास खुद आएगा और कहेगा कि मेरी बेटी से शादी करोगे, तो मैं कह दूंगा हाँ, और जल्द ही हम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर मेरा एक बेटा होगा, वह बहुत अच्छा होगा, मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। लेकिन यदि उसने शरारत की तो मैं उसे बहुत डांटूंगा। यदि उसने फिर भी नहीं माना, मुझे बहुत परेशान किया, तो मैं उसको डंडे से उठा के पीटूंगा। बच्चों, ऐसा सोचते हुए वह सपने में ही पास में रखे हुए डंडे को हाथ से पकड़ लिया और उसे घुमा के अपने बच्चे को मारने के लिए सोचने लगा। जैसे ही उसने अपने बच्चे को डंडे से उठा के पीटने के लिए सोचा, वैसे ही उसकी हंडी जो लटकाई हुई थी उसके बेड के ऊपर, वह टूट गई। और अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर उस गरीब आदमी की आंखें खुल गई और वह उसने देखा कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरा पॉट, मेरा घड़ा तो फूट गया है, उसमें जो गेहूं के आटे रखे थे सब बिखर पड़े हैं, अरे यहाँ तो कोई बड़ा सा घर नहीं है, अरे मेरे पास तो कोई गाय नहीं है, मेरे पास तो कोई रानी नहीं है, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, दिन में ही स्वप्न देख रहा था। इस तरह से वह गरीब आदमी सोच सोच के दुखी हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? इस तरह से वह दुखी आदमी दुखी ही रह गया। बच्चों, देखा आप सबने किस तरह से इस गरीब मनोज ने दिन में ही सपने देखना शुरू किया और उसके पास आई मटकी भी उसके हाथों से निकल गई। कैसी लगी आपको बच्चों स्टोरी? अच्छी लगी? इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि हमें केवल सपने ही नहीं देखने चाहिए, सपने पूरा करने के लिए कुछ काम भी करते रहना चाहिए। केवल सपने देखने मात्र से सपने पूरा नहीं हुआ करते, बल्कि टूट जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से आपके अगले स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।